अस्सलाम वालेकुम माय ड्यूटी फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक क्यूट सी फ्रॉक्स हैं जिनके बारे डिटेलिंग आपको बताती हूँ। और ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ बनवाई हैं और कुछ इनका मटीरियल हमने खुद ने दिया था बाय करके, क्योंकि जानने वाली थी तो इसलिए हम लोगों ने कुछ मटीरियल खुद ही दिया है। तो जैसे ये लेस है ना जो बॉर्डर पर लगी हुई है दामन पर, ये वाली हम लोगों ने खुद ही पट्टी दी है। ये ऑर्गेंजा के ऊपर धागे और सितारी का काम है, इसको डाई करा लिया था हम लोगों ने इस कलर में। खैर उन्होंने फिर क्या किया है कि ऑर्गेंजा की लिया है उसको डाई कराया, नीचे इन्होंने राव सिल्क की एक लेयर डाली है, उसके बाद अटल की शमीज़ डाली है और नीचे कैन कैन लगा दिया ताकि अच्छा से एक फॉल आ जाए। ठीक है, ऊपर जो पेटी का कपड़ा है वो भी हम लोगों ने दिया था, ये चुनटे पेटी पे चुनटे डाल दिए हैं इस तरीके से, बहुत ही ये भी क्यूट लग रही हैं। पेटी का कपड़ा था और जो दामन पे लैस है ना वो हम लोगों की थी। शोल्डर पे ये बो बना के उन्होंने छोटे छोटे से ये स्टोन्स लगा दिए हैं ताकि ये अच्छी सी फैंसी सी लुक आए। और अभी बैक दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी इन्होंने बैक भी बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इनका इंस्टा पे पेज भी है। ठीक है, और ये देखें इन्होंने ये जो बॉर्डर पे पट्टी लगाई है वो आगे पीछे दोनों साइडों पे लगाई है, और जो बटन यूज़ किए हैं वो उसी कपड़े से इन्होंने बटन बना के ना इस तरह से लगा दिए गहरे करके, और ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साथ में इन्होंने जो ये रिबन बनाई है ये भी एक प्रिंसेस लुक दे रही है। ओवरऑल बहुत ही प्यारी लुक है इस फ्रॉक की। और कॉस्ट भी मैं बता देती हूँ कि इन तीन फ्रॉक की कितनी बनी थी। अच्छा, ये सेकेंड फ्रॉक है, इसका क्या किया है कि इसकी लेंथ थोड़ी कम है, वो इस कपड़ा सेम ही है, राव सिल्क है। सबसे पहले ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा पे ये बेबी पी को किया हुआ है, नीचे इनके राव सिल्क है, इंडियन राव सिल्क जो आती है, उसके बाद नीचे अटल की शमीज़ है और इसके नीचे कैन कैन नहीं है। इसका जो बेल्ट दिया है सेम जो बॉर्डर की लेस थी पहली वाली फ्रॉक की उससे दे दिया, और जो बो बनाई है ना ये भी पेटी का जो कपड़ा था उससे बचा कपड़ा वो बना दिया, और बहुत ही प्यारी लग रही है इस तरह। और इसमें छोटे छोटे से मोती वगैरह कुछ लगा दिए साथ में, और यहाँ पे ये देखें गले पे इन लोगों ने ये मोती और स्टोन के साथ काम कर दिया है, क्योंकि सिलाई नज़र आ रही थी ना उसको कवर करने के लिए भी बहुत ही एक फैंसी लुक दे दी है। बैक पे इसकी बैक थोड़ी डिफरेंट है, ये यहाँ पे मोती लगाए हैं और मोती के साथ ही इन लोगों ने सिलाई को छुपाने के लिए इस तरह से ये कट मोती से बटन की शेप दे दी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। खैर ओवरऑल लुक जो है इस फ्रॉक की भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड फ्रॉक पे, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये पहले आप गला डिटेल से देख लें कितनी प्यारी फिनिशिंग लुक आ रही है इसकी गले की। और ये तीन फ्रॉक का कॉस्ट हमें पड़ी थी 7000 रुपीज़, और पिंडी से ये पार्सल कर दिया था लाहौर में। खैर अभी ये थर्ड फ्रॉक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। थर्ड फ्रॉक सेम ही चीज़ है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर भी। ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा पे बेबी पी को कर दिया है उन्होंने, नीचे वही इंडियन राव सिल्क है और नीचे शमीज़ है। अच्छा, ये जो लास्ट की दो फ्रॉक है ना इनके नीचे वो नहीं लगाई है कैन कैन, क्योंकि बच्चियां छोटी हैं तो बस एक में कैन कैन है बाकियों में नहीं है। ये देखिए चुनटे डाल दी हैं पेटी पे, और पेटी का कपड़ा ऑलरेडी हम लोगों ने दिया था, उसी में से जो बच गया था एडजस्ट करके उन्होंने बना दिया। शोल्डर पे वही बो बना दिए हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है, उन पर छोटे छोटे से स्टोन्स लगा दिए हैं, और इसकी भी बैक बनाई है उन्होंने, थोड़ी डिफरेंट कर दिया इसकी बैक। और माशाल्लाह से इनकी मदर का भी सेम ही फ्रॉक थी, तो इंशाल्लाह ताला कोई इवेंट होगा तो उस पर भी पहन के मैं आपको पूरी लुक दिखा दूंगी बच्चों की, जब कोई इवेंट में बच्चे पहनेंगे। तो अभी हरीम और अरबिश ने ये ट्राई की थी और ये उतार ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं उतार रहे थे। अच्छा, ये फ्रॉक है जो उसकी बैक है, इस पर भी सेम बटन को छुपाने के लिए इस तरह मोतियों से फूल बना दिए हैं, बो बना दी है सेम फैब्रिक से, और बस इस तरह से इनकी फिनिशिंग दे दी है, और जो कि बहुत ही फैंसी और प्यारी लग रही हैं। और आई थिंक तीन फ्रॉकें ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता तो नहीं है खैर, लेकिन चलें जो रेडी टू वेयर आती हैं फ्रॉक्स बच्चों की, वो भी एक फ्रॉक 4000 की हो रही होती है। खैर ये थी ओवरऑल लुक इन फ्रॉक्स की, और अभी हरीम और उसने पहन के अरविश ने पहन के दिखाई हैं आप लोगों को, तो आप लोग देखिएगा बच्चे उतार ही नहीं रहे थे, ज़िद करके इन लोगों ने पहनी है और अब उतार ही नहीं रहे थे, और जब उतारी तो वो रोने लग गए इतनी ज़ोर ज़ोर से। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ये हरीम इस फ्रॉक में, बिल्कुल मतलब इसको मुँह भी नहीं वॉश कराया था फिर भी इतनी प्यारी लग रही थी, और इसको नज़र हो गई और इसका दांत टूट गया तो ये गिर गई और इसका दांत टूट गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करानी है ये फ्रॉक, मैं लिंक दे देती हूँ फेरी प्लैनेट्स पाकिस्तान के नेम से
इंस्टा पे पेज है, आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आई होप के आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let.